संख्या उत्तर प्रदेश में पर्यटन के दृष्टि से आई थी, लेकिन इसमें ज्यादातर जो टूरिस्ट था, ज्यादातर जो पर्यटक था, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में आया था। काशी में संख्या 2023 में 10 करोड़ से अधिक थी। मथुरा वृंदावन में गत वर्ष यह संख्या 7.5 करोड़ से अधिक थी। अयोध्या में गत वर्ष यह संख्या 5 करोड़ से अधिक थी। और आप जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम के 500 वर्षों के बाद अपनी जन्मभूमि पर विराजमान होने के कारण अब वहां पर इसकी संख्या और कई गुना बढ़ रही है, यानी एवरेज 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, अयोध्या धाम में आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे संख्या काफी इसमें बढ़ोतरी होनी है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर अलग अलग ऐसे बहुत सारे साइट हैं जहां पर लोग जाते हैं। लखनऊ के बगल में नैमिषारण्य है, चित्रकूट है, सुखतीर्थ है, विंध्यवासिनी धाम है, माँ पाटेश्वरी धाम है, माँ शाकंभरी धाम सहारनपुर है, या बौद्ध तीर्थस्थल लुम, चाहे वह कपिलवस्तु हो, चाहे वह सारनाथ हो, कुशीनगर हो, श्रावस्ती हो, संकिसा हो, या जैन तीर्थ स्थलों के लिए, या सूफी परंपरा से जुड़े हुए स्थलों के लिए, यानी अनेक संभावनाएं स्पिरिचुअल टूरिज्म की पहले से यहां मौजूद है। और ये संभावना बताती है कि अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए यहां पर स्पेस है, इसका मतलब मानव सृष्टि और जीव सृष्टि का उद्गम स्थल है। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण अगर देखना है तो सोनभद्र में फासिल पार्क को एक बार आप जाकर के देखिए, यानी उसकी जो उम्र है उतनी ही है जितनी जीव सृष्टि की है। लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व के वे सब फासिल वहां पाए जाते हैं। ऐसे अनेक स्थल आपको मिलेंगे, अनेक प्राकृतिक सरोवर मिलेंगे, ताल मिलेंगे। 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल तो हमारे पास केवल वन संपदा है, अच्छे पौराणिक काल के, ऐतिहासिक काल के वन उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। और मैं जब देखता हूं, मुझे उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र में जब जाने का अवसर प्राप्त होता है, एक बात मन में जरूर आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर वन भारत और नेपाल सीमा में सुरक्षित हैं। बहराइच श्रावस्ती में, बहराइच में, बलरामपुर में, लखीमपुर खीरी में, पीलीभीत में, लेकिन जब उस पार हम जाते हैं नेपाल की तरफ तो वहां एकदम वन पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और इसीलिए चाहे वह चोका हो, चाहे वह दुधवा हो, चाहे वह पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो, और अब तो हम लोग चित्रकूट में भी और बिजनौर के अमानगढ़ में भी टाइगर रिजर्व के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तेजी के साथ इसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। अनेक संभावनाएं इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद है, हम सब जानते हैं। यानी अगर स्पिरिचुअल टूरिज्म का स्थान है तो अवश्य ही हेरिटेज टूरिज्म का भी और इको टूरिज्म का भी स्पेस वहां, उतनी ही संभावनाएं उसके पास मौजूद हैं। और उन्हीं संभावनाओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए, लोगों का इसके प्रति आकर्षण बढ़े, मनोरंजन भी हो, ज्ञानवर्धन भी हो, अतीत और इतिहास के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हो, और भावी चेतावनी के प्रति हम सब जागरूक भी हो सकें,
इस दिशा से उत्तर प्रदेश ने अपना इको टूरिज्म बोर्ड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के पीछे का उद्देश्य ही यही है। अभी हमारे पर्यटन और संस्कृति मंत्री जैसा कह रहे थे, इस बार जून की गर्मी मुझे लगता है लंबे समय तक उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को याद आएगी। टेम्परेचर कितना ऐसे बढ़ रहा था जैसे किसी साइकिल का चक्का घूम रहा हो, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, लोग असहाय थे, असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन इसके लिए कोई उत्तरदायी कोई दूसरा नहीं है। हम सबकी स्वार्थी गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए प्रकृति का दोहन करने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसने इस प्रकार की स्थिति हम सबके सामने पैदा की। अनेक नदियों के जल सूख गए, स्रोत सूख गए, सूखी पड़ी हुई थी। आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में हम लोग एक नाइट सफारी बना रहे हैं कुकरेल के पास, और कुकरेल के नाइट सफारी के पहले हम एक नदी को जीवित करने वाले हैं लखनऊ में, उसका नाम है कुकरेल नदी। कभी कुकरेल नदी थी जो गोमती की सहायक नदी थी, आदि गंगा, गोमती को आदि गंगा भी कहते हैं, पीलीभीत से निकल करके और वाराणसी में ये मां गंगा के साथ इसका मिलन होता है। लेकिन गोमती की सहायक नदी कुकरेल नदी को लोगों ने नाला बना दिया, नाला बना करके उसमें अवैध निर्माण कर दिए, कब्जे हो गए, और कब्जा इतना बढ़ा पिछले 4 दशक में इतना बढ़ गया कि वह स्वयं ही न केवल नदी के लिए बल्कि यहाँ के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बन गई थी। और फिर एक वर्ष पहले हम लोगों ने इस लड़ाई को प्रारंभ किया, नहीं, कुकरेल को नाला नहीं, इसको फिर से नदी बनाना है, और नदी बनाने के लिए उस लड़ाई को यहां से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े। और मुझे प्रसन्नता है 8,000 से अधिक ऐसे जितने इल्लीगल स्ट्रक्चर थे उन सबको हम लोगों ने उसके पेड़ से अब तक निकाल करके बाहर फेंका है, उसको हटाया है। जिनका पुनर्वास होना था उन्हें पुनर्वास भी किया है, जिन्हें दंडित करना था उन्हें दंडित भी किया है। और नदी, आप आश्चर्य करेंगे कि अभी 8,000 स्ट्रक्चर हटे हैं, लेकिन इतने स्ट्रक्चर हटने के बाद नदी में पानी के नए स्रोत फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जब गर्मी थी, जब नदियां सूख रही थी, जल के स्रोत सूख रहे थे, तब कुकरेल में नए जल के स्रोत फूट रहे थे। ये दिखता है कि हमने जल के स्रोत अपने स्वार्थ के लिए स्वयं बंद किए हैं। लेकिन यही स्थिति अन्य जगहों पर भी है, हमने कभी भी उस दिशा में प्रयास नहीं किया है। और इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड इस बात के लिए हमें आगाह कर रहा है कि ज्ञानवर्धन के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी हम अपनी प्रकृति के इस उपहार का उपयोग करें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी को एक लंबे समय तक ये उपहार इसी रूप में, मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के रूप में प्राप्त होता रहे, इसलिए इसके संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर होनी चाहिए, हर पीढ़ी को अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। और उसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। एक साथ जब आप जाते हैं, एक कोई टूरिस्ट आता है तो अपने साथ एक व्यक्ति के लिए नहीं, अनेक लोगों के लिए वह रोजगार का सृजन भी करता है। और अगर संभावनाएं हैं तो उन संभावनाओं से वहां पे लाभ लेना, अगर हम सभी प्रकृति का संरक्षण करते हुए, पर्यावरण का संरक्षण करते हुए इन कार्यों को अपनाते हैं, इसमें हमें एक संकोच नहीं करना चाहिए।
और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आज हम सबको उन क्षेत्रों में जहाँ पर हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास किए हैं उसका लाभ हमें देखते हुए वहाँ बनता है। और मुझे प्रसन्नता है इको टूरिज्म के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए, अनेक साइट हुई हैं। हमने इसके लिए जो कार्य प्रारंभ किए हैं सोगी वर्गबा में भी काम प्रारंभ हुआ है, दुधवा में भी, चुका में भी, पीलीभीत टाइगर जो रिजर्व बना है उस क्षेत्र में भी अनेक लोग आ रहे हैं। लोगों को वहां देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लोगों का भी देख ये चीजें उन लोगों के मन में आती है कि वाह ये वास्तविक है, वहां पर कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, एक वास्तविक जिंदगी में उन्हें प्रकृति को देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं जब भी दुधवा में जाता हूं, अंदर जंगल के बीच जाता हूं, मैं देखता हूं कि अगर लखनऊ का टेम्परेचर 42 है तो हमें दुधवा के अंदर और टेम्परेचर 35 के आसपास दिखाई देता है। टेम्परेचर में इतना कमी वहां पर प्रकृति के सानिध्य में ऐसा प्राप्त हो देखने को मिलता है। ये दिखते ये हमें इस ओर इशारा करता है कि अगर हमने इस ओर ध्यान दिया, पर्यावरण के प्रति हम जागरूक हुए तो स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें आने वाले समय में प्राप्त होगा, इसी रूप में प्राप्त होगा जैसे हमें लखनऊ के टेम्परेचर में और दुधवा के अंदर के टेम्परेचर में देखने को प्राप्त होता है। और आप प्रकृति के जितने अधिक नजदीक जाएंगे, जितना आप उसको संरक्षण देंगे, वह भी आपको उतना ही अपने समीप पाएगी और आपको भी उतना ही स्वच्छ और सुंदर वातावरण देगी, इस बात का भी वो आश्वासन आपको निरंतर देती है। लेकिन हमारे स्तर पर कुछ प्रयास तो इसके लिए प्रारंभ हो। दूसरा, वहां पर जाने की संभावनाओं को कनेक्टिविटी के लिए भी अब सरकार ने प्रयास प्रारंभ किए हैं। अभी हम लोग लखीमपुर में जो हमारी पुरानी एयरस्ट्रिप थी उसको हम लोग वहां पर एक एयरपोर्ट के रूप में विकास उसका विकास करने जा रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक हॉलिडे ट्रेन चलाने की व्यवस्था वहां पर रेलवे के माध्यम से प्रारंभ की और उसको हम और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है कि कैसे हम इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय रेल उस समय इसके लिए सहमत भी था, उसको बोर्ड के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, टूर ऑपरेटर्स के माध्यम से इन संभावनाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही हमें इस बात के लिए वहां के अगर हम स्थानीय जो निवासी हैं उन्हें वहां पर गाइड के रूप में प्रशिक्षित करें, वहां पर बनने वाली जो सुविधाएं उन सुविधाओं के साथ जोड़ें, तो हम वहां के इकोसिस्टम को भी ठीक कर पाएंगे और इको टूरिज्म को भी आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से बहुत मदद मिल सकती है। आज मेरा मानना है कि टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल हम सब के लिए एक मनोरंजन का माध्यम बन सकता है बल्कि आर्थिक समृद्धि के माध्यम से हम सशक्त बनने की दिशा में भी अग्रसर हो सकते हैं। अनेक लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक बहुत सशक्त माध्यम भी बन सकता है और उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए कार्य प्रारंभ किया तो हेरिटेज टूरिज्म को भी डेवलप करने के लिए जो कार्य प्रारंभ हुए वह आप अगर देखेंगे तो बुंदेलखंड के किलों को लेकर के या ऐतिहासिक दृष्टि से जो इमारतें हमारे पास जहां तहां पड़ी हुई थी उन सभी को हम कहीं होटल के रूप में, कहीं उन साइट को टूरिज्म डेवलपमेंट की दृष्टि से डेवलप करने के लिए अनेक
हम लोगों ने वहाँ पे प्रयास प्रारंभ किए हैं और लोगों को इसके बारे में उधर आकर्षित करने के लिए भी एक नई व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। होटल रेस्टोरेंट के अलग अलग श्रृंखलाओं को भी उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत आकर्षित करने का काम किया है। और इसीलिए मैं आज इस अवसर पर आप सबसे इस बारे में आग्रह करूंगा कि जो संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग जनपद में अलग अलग संभावना और अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी उन संभावनाओं पे आप लोगों का सहयोग और आपकी सक्रियता, इको क्षेत्र में जो टूरिज्म डेवलपमेंट का ये नया बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है, यह उन नई संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा। और मेरा मानना है एक कार्य की शुरुआत है, इसके कुछ अच्छे परिणाम और कुछ उत्साही टूर ऑपरेटर्स ने इसमें रुचि लेकर के इसको सफलता की एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का प्रयास प्रारंभ किया है। लेकिन इसमें अगर व्यापक पैमाने पे हम लोगों को जागरूक करें, उनको हम प्रशिक्षित करें, ये अनिवार्य रूप से हम वहां पे कोई व्यवस्था बनाएं कि होम स्टे जो हम स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा करते हैं, चाहे वह काशी में हो, अयोध्या में हो या मथुरा वृंदावन में है, अगर इन्हीं संभावनाओं को लेकर के हम लोग यही कार्य इको टूरिज्म में भी, उन ग्रामीण क्षेत्रों में भी विलेज टूरिज्म को डेवलप करें, तो गांव के लोगों के सामने भी रोजगार सृजन की एक नई संभावना बनेगी, लोगों के मन में एक उत्साह आएगा, उनके रहन सहन, उनके व्यवहार में, सामान्य बातचीत में एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने में उनको मदद मिलेगी, रोजगार सृजन की नई संभावना उनके बीच में बनेगी। जैसे अभी मैं